नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी जियो में कॉलर ट्यून को सेट करना चाहते हैं लेकिन दोस्तों आप जियो में कॉलर ट्यून सेट नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से दोस्तों आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से भाई जियो की सिम में कॉलर ट्यून को सेट कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपके पास एंड्रॉयड हो, चाहे आईफोन हो, चाहे जियो का छोटा सा फ़ोन क्यों ना हो, किसी भी फ़ोन में दोस्तों अगर जियो की सिम है ना, आप बहुत ही आसानी से उसमें कॉलर ट्यून सेट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, बस आपको इस वीडियो को सही तरीके से देख लेना है। अगर आप इस वीडियो को सही तरीके से देख लेते तो यहाँ पे मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, यहाँ पर आप जियो सिम में आसानी से कॉलर ट्यून सेट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे आपको अपना इनबॉक्स यानी मैसेज बॉक्स यहां पे आप क्या करेंगे, सिंपली आप यहां पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहां पे आपको सिंपली एक मैसेज करना पड़ता है यहां पे जियो सिम को, यानी जियो को, जियो जो कंपनी है, जियो कंपनी को यहां पे एक मैसेज करना पड़ता है। तो यहां पे आप सिंपली क्या करेंगे, नीचे आपको यहां पे देखने को मिलेगा स्टार्ट चैट। यहां पे हर एक मोबाइल में अलग अलग सेटिंग रहता है, किसी का प्लस का आइकन रहता है मैसेज भेजने का, किसी का यहां पे स्टार्ट चैट रहता है, तो यहां पे सबका अलग अलग मोबाइल में रहता है। तो यहां पे आपको सिंपली क्या करना है, यहां पे आपको स्टार्ट चैट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको एक नंबर पर मैसेज करना होगा, वो नंबर क्या है तो गाइस यहां पे आप देखेंगे टाइप अ नंबर, यहां पे क्या करेंगे अपना नंबर फिल अप करेंगे। यहां पे आपको नंबर टाइप करना है 5 6 7 8 9, यहाँ पे सिंपली आपको लिखना 5 6 7 8 9, इसी नंबर पे आपको मैसेज करना है। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर यहाँ पे इस नंबर को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे नंबर टाइप करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा टेक्स्ट, यानी आपको यहाँ पे गाने का नाम लिखना है, यहाँ पे सॉन्ग का नाम लिखना, जो भी कॉलर ट्यून को सेट करना चाहते हैं अपने नंबर पे उस कॉलर ट्यून का नाम यहाँ पे लिखना है। तो गाइस यहाँ पे अपना कॉलर ट्यून का नाम जो होगा, यहाँ पे सॉन्ग का जो नाम लिखेंगे, जो भी गाने का नाम लिखेंगे, यहाँ पे आपको सही सही लिखना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपना यूट्यूब में चेक कर लेंगे कौन सा गाना क्या टाइटल है, यहाँ पे टाइटल आपको यहाँ पे सही लिखना। जैसे मैं आप लिखता हूं मेरी जिंदगी हो तुम, यहां पे मेरी जिंदगी हो तुम, यहां पे मैं यहां पे लिखता हूं गाने का नाम मेरी जिंदगी हो तुम। यहां पे लिख के क्या करना, सिंपली आपको यहां पे सेंड पे क्लिक करना। सेंड पे क्लिक करेंगे तो चलिए मैं यहां पे सेंड पे क्लिक करता हूं। सेंड पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको कुछ सेकंड वेट करना, यहां पे आपको कंपनी की तरफ से आपको एक मैसेज मिल जाएगा। यहां पे देख सकते हैं मेरे यहां पे मैसेज आ चुका है। तो गाइस मैं यहां पे आपको दिखा दूं, जैसे मैं यहां पे मेरी जिंदगी हो तुम और यहां 5 6 8 9 पे मैं सेंड किया हूं। सेंड करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहां पे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली क्या करना, आपके सामने इस तरह से एक मैसेज आने के बाद सिंपली क्या करना, आपको फिर से आपको यहां पे लिखना वन टाइप, यहां पे वन लिख के आपको सेंड करना। यहां पे क्या करेंगे, वन लिखेंगे, वन लिखने के बाद आपको फिर से क्या करना, सेंड कर देना। सेंड पे क्लिक करता हूं, सेंड पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहां पे वेट करना, फिर से आपको कंपनी की तरफ से एक मैसेज आएगा। उसके बाद गाइस यहां पे आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर से क्या करना, आपको वन लिख के फिर से आपको यहां पे सेलेक्ट करना, यानी आपको वन लिखना, फिर से आपको यहां पे सेंड कर देना। सेंड लिखने के बाद आपको फिर से सेंड कर देना। सेंड करने के बाद यहां पे आपको कुछ सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे क्या करना, बैक आ जाना। जैसे बैक आएंगे, बैक आने के बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ एक मैसेज आया। बस क्या करेंगे, अपना मैसेज को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना गाइस क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको वाई लिख के सर्च, यहाँ पे आपको क्या करना, वाई लिखना। सिर्फ यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे वाई लिखना, वाई लिख के आपको यहाँ पे सेंड कर देना। जैसे वाई लिख के सेंड करेंगे, सेंड करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना। वेट करेंगे तो आपके यहाँ पे कॉलर ट्यून यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मैसेज भी मैं आ चुका है, बस मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एक मैसेज यहां पे आया है। यहां पे देखेंगे इस मैसेज को मैं यहां पे ओपन करके दिखाता हूं। ओपन करने के बाद गाइस यहां पे देखेंगे डियर कस्टमर, एज पर योर रिक्वेस्ट योर जियो सॉन्ग हैज बीन चेंजेड और योर जियो नंबर, यानी मेरा जियो नंबर है यहां पे, इस जियो नंबर पे मेरा यहां पे चेंज हो चुका है, यानी सॉन्ग जो मैं लगाया हूं मेरी जिंदगी हो तुम मेरा यहां पे सेट हो चुका है। तो गाइस इस तरह से आपको आसानी से फॉलो कर लेंगे, जैसे मैं बताया वीडियो में इस तरह से करेंगे तो आपको 100% यहां पे गारंटी के साथ कहता हूं, यहां पे आपका जियो जो कॉलर ट्यून होता है आपके जियो नंबर पर सेट हो जाएगा। और यहां पे आप देखेंगे इसका जो चार्ज है 00, यानी इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पे आसानी से अपना कॉलर ट्यून को सेट कर लेंगे, इस तरह से बड़ी आसानी से अपने जियो नंबर पर कॉलर ट्यून सेट करना कर लेंगे। अगर आप अपना कॉलर ट्यून को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे यहाँ पे वो देखने को मिलेगा 1 55 223, इस नंबर पे क्या करना, आपको इस नंबर पे आपको स्टॉप लिख के सेंड करना। जैसे आप स्टॉप लिख के सेंड करेंगे तो आपका जो जियो का कॉलर ट्यून है यहाँ पे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से बड़ी आसानी से जियो सिम में कॉलर ट्यून को सेट कर सकते हैं।